मसालेदार दम आलू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 7 से 8 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। चलो तो चलिए हम इसको छील लेते हैं। तो सारे आलू को हमने छील लिया है, अब हम इसमें नन्हे नन्हे छेद कर लेंगे एक कांटे वाले चम्मच से। तो हमने सारे आलू को अच्छे से तैयार कर लिया है, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने तेल लिया है, तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद सारे आलू इसमें ऐड कर देंगे। आलू को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर हम इन्हें पलटते जाएंगे और इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए गोल्डन हो चुके हैं आलू। तो चलिए एक प्लेट में हम इनको निकाल लेते हैं। एक प्लेट में हमने सारे आलू को निकाल लिया है, अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे प्याज, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज को अच्छे से 4 पीसेस में काट लिया है। तो प्याज इसमें ऐड कर देते हैं, साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियाँ, अदरक और लाल मिर्च। तो हम क्या करेंगे कि प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डालेंगे टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए। तो नमक ऐड कर दिया है, 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे हम इसको। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम स्पैचुला से इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे टमाटर को। इसके बाद हम ठंडा कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं इसको। हमने मसाले को पीस लिया है, साइड में रख दिया है। एक कढ़ाई में मतलब उसी कढ़ाई में हमने तेल ऐड करा है, तेल को गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें तेज़पत्ता, जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और काली मिर्च ऐड करेंगे। सारे मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। मसाले भूनने के बाद हम इसमें प्योरी डाल देंगे जो कि हमने प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का बनाया हुआ है। तो चलिए इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो उससे पहले हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया मसाला, गरम मसाला एंड थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। तो सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग ना दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल भी अलग दिखाई देने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो हमने 2 से 3 कप इसमें पानी ऐड करा है। अब हम इसमें साथ ही इसमें डाल देते हैं आलू। तो सारे आलू हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी बनकर तैयार है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ती बारीक कटी हुई और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो आलू बनकर तैयार हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी।